गाइस ये टॉप बेस्ट कलेक्शन है जिसमें आपको रोमांस मिलेंगे एंड हमारी स्मार्ट गर्ल की आपको मतलब बहुत पसंद है। इसके ऊपर मैंने दो तीन मतलब 5-6-10 ठो का आपके लिए टॉप कलेक्शन ढूंढ के रखी हूँ जिसमें आपको लड़की स्मार्ट मिलेगी। लड़की एक बिजनेस वूमन हो सकती है, एक फैशन डिज़ाइनर, मेकअप हेयर स्टाइल ये बहुत कुछ कर सकती है। इसके ऊपर ये मेरा ये टॉप बेस्ट कलेक्शन है, उसके बारे में मैं आपको फर्स्ट ये वाला बताती हूँ। मतलब स्टार्टिंग से आपको मतलब क्या क्या इसमें कलेक्शन मिलेंगे इसके बारे में मैंने बताया आपको एंड आप इस स्टोरी के बारे में जानते हैं। इसका भी देखो सभी का जो भी अभी लिंक है ये ऑडियो बुक में अवेलेबल रहता है, टेलीग्राम में लिंक रहता है, उनका ही मैं रिव्यू देती हूँ। मैं ऑडियो बुक का रिव्यू देती हूँ, नॉट क्या कहते हैं रीडिंग वाला। ओके तो आपकी मर्जी, आपको ऑडियो बुक में सुननी बहुत पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये स्टोरी अमेजिंग है। बात है एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसे प्यार में धोखा मिलता है। मतलब ये स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार हमारा हीरो किसी और लड़की को प्यार करता है एंड उसकी डेथ हो जाती है एंड वो समझता है कातिल किसको, हमारी हीरोइन को, एंड वहाँ वो उसे किडनैप कर लेता है एंड आगे क्या क्या होता है ये तो आप जानते हैं। पर आगे हमारे हीरो को सच्चाई पता चल जाती है कि उसका जो राइवल है, मतलब एक हमारा हीरो जो बिजनेसमैन है उसका एक जो राइवल है या उसके रिश्तेदार में जो भी है एक बिजनेसमैन, वो ना उसकी गर्लफ्रेंड को मतलब वो उन दोनों नाटक करते हैं कि मर्डर मतलब लड़की की डेथ हो गई या हमारे हीरो को फंसाया जाता है मतलब प्यार के जाल में भाई। एंड वो फर्स्ट टाइम हमारी हीरोइन से मिलते हैं इस टाइप की सिचुएशन है। मतलब वो गलती से उनसे टकरा जाते हैं ये भी कह सकते हैं या वो गलत समझ लेते हैं, इस टाइप की स्टोरी। स्टोरी अच्छी है, रोमांटिक है, आगे सच्चाई पता चलेगी एंड हमारे हीरो किस टाइप से हमारी हीरोइन से माफ़ी मांगेंगे एंड इनका लव कहाँ तक पहुँच पाएगा ये सभी आपको जानकारी इस स्टोरी में मिलेंगे। एंड स्टोरी रोमांटिक कैटेगरी बेस्ट रोमांटिक, यार स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड में ही आपको रोमांटिक मिलेगी एंड चलते हैं सेकंड पे आता है। ये स्टोरी भी थोड़ी बहुत देखो यहाँ पहले ही लिखा है रोमांटिक स्टोरी एंड आप सर्च करेंगे तो शायद मिले ना मिले, आपकी मर्जी, टेलीग्राम में अवेलेबल है, ना मिले तो कमेंट करिए एंड स्टोरी के बारे में आप जानते हैं। ये स्टोरी है कैसे हमारे बिजनेसमैन की जो अपने भाई के प्यार में, यार मतलब हमारे हीरो के जो भाई है उन्हें प्यार में धोखा मिलता है एंड वो बदला लेने के चक्कर में हमारी हीरोइन से गलती से शादी कर बैठते हैं या ज़बरदस्ती उठा लेते हैं, इस टाइप की सिचुएशन है। एंड स्टोरी अच्छी यार, मस्त रोमांटिक वाली स्टोरी है एंड इसमें पहले मैं आपको मतलब स्टोरी के अंदर की अभी बात नहीं करूँगी, आपको स्टार्टिंग में क्या क्या मिलेगा ये बता दूँ। हमारी जो गर्ल कैरेक्टर है वो एक फैशन डिज़ाइनर भी कह सकते हैं, पर उन्हें उनकी फैमिली वाली यानी धोखेबाज जो फैमिली रहती है, यार सौतेली बोली है जो भी, वो धोखेबाज फैमिली वाले हमारी हीरोइन को कैद करके रखते हैं, उनके ऊपर मेडिकल या जो भी रासायनिक कुछ भी करते रहते हैं, इस टाइप की सिचुएशन है। एंड हमारी हीरोइन जब हमारे हीरो से मिलती है, बहुत अच्छी मतलब रोमांटिक स्टोरी तो मिलेगी पता है। अब चलो मैं बता दूँ क्या बात है, इस टाइप के आपको तो पता चल गया हमारी हीरोइन एक फैशन डिज़ाइनर है। एंड मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बता दूँ कि यहाँ बहुत सारी आपको लव स्टोरी मिलेगी। ये कहानी एक राजस्थान से रिलेटिव है, मतलब राजस्थान के कुंवर सा कह सकते हो, इतनी बड़ी फैमिली में कोई हेड बने वो हमारा हीरो बनेगा भाई, यही सिचुएशन है। स्टोरी में आपको हेड हमारा हीरो जो दिखाया जाएगा एंड बहुत सारे इसमें कपल दिखाए जाएंगे एंड चलो आप जानते हैं कहानी हमारे दो मेन कैरेक्टर पर है, हमारे हीरो एंड हमारे हीरोइन के ऊपर। तो सिचुएशन यहाँ तक तो मैंने आपको बता दी कि हमारे हीरोइन के ऊपर जुर्म होता था उनके जो सौतेली फैमिली वाले थे वो, एंड कनेक्शन वाली बात यह है कि हमारी हीरोइन की जो मदर है वो निकली हमारे हीरो के फैमिली से कनेक्शन, राजस्थान के कुछ ना कुछ कनेक्शन है एंड हमारी हीरोइन की मदर ने उन्हें इतनी ट्रेनिंग दी है पूछो मत, तलवारबाजी हो या मतलब अच्छी खासी मार्शल आर्ट तो मिलेगी, फाइटिंग स्किल तो मिलेगी। एंड हमारे हीरो के पास भी भाई पैसों की कमी नहीं है वाली बात होती है, हमारे हीरो के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो उनकी फैमिली के मतलब प्रोटेक्ट तो करेंगे यानी अपने साथ टीम रखेंगे एंड अदर जो भी है जैसे जो भी भाई वो सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं, इस टाइप की सिचुएशन है। एंड अच्छी खासी आपको स्टोरी मिलेगी लंबी वाली एंड मैंने देखी मुझे बहुत मजी आई, आप एक बार देखोगे आपको बार बार देखने का मन करेगा। एंड पहले बता दो भाई अभी एग्ज़ाम चल रहा है इस कारण मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए सॉरी, मतलब रिकॉर्डिंग करूँ या ना करूँ सिचुएशन में थी मैं, तो आप लोग इतने सब्सक्राइबर करते जा रहे हो तो ये सभी मतलब उसके लिए थैंक यू, तो इसी कारण मैंने अब फिर से एक काम पकड़ लिया, पेपर को अच्छे से दिलाऊँगी अब, मतलब रात को मेहनत करूँगी पढ़ाई में एंड दिन में रिकॉर्डिंग करूँगी आपके लिए, इस टाइप की करूँगी सोच ली मैंने। एंड अब डेली आएगा आपको जो भी स्पेशल जो भी है ये इनके ऊपर
एंड अब चलते हैं थर्ड नंबर पर, क्योंकि अभी बात अभी और भी बाकी है भाई। टॉप बेस्ट कलेक्शन 10 चाहिए ना आपको, जो रोमांटिक हो, मैरिज से रिलेटिव हो, ये सारी उसी कलेक्शन में आती है। ये सारे के सारे जो भी स्टोरी रहेगी, ये मैरिज वाली हो सकती है, रोमांटिक कैटेगरी हो सकती है, किडनैपिंग वाली हो सकती है, मतलब हमारे हीरो इतना गुस्सैल वाले इंसान भी हो सकते हैं जो हमारी हीरोइन को किडनैप करके रखे, तो पहले ही बता रही हूँ। ओके, स्टोरी अच्छी है, ऑडियो बुक भी अवेलेबल रहती है, उन्हीं का रिव्यू देती हूँ। अब चलते हैं थर्ड नंबर वाला। इस मतलब ये जितने भी आपको नाम जो बताई गई हूँ, उस सभी में आपको जो गर्ल कैरेक्टर है वो स्मार्ट है, कुछ ना कुछ काम करती है, एंड साथ में हमारा हीरो भी कोई बिजनेसमैन होता है। इसी टाइप से रिलेटिव मैंने ये वाला जो है कलेक्शन आपके लिए किया है। एंड देखो, बहुत मुश्किल से मिलता है एंड कोई कोई नहीं मिलता। मैंने खुद सर्च के मैं इसके मतलब थर्ड नंबर में वो हमारा जो माय सीक्रेट हस्बैंड, जिसका मैंने रिव्यू दिया था एंड बहुत लोगों ने देखा, एंड अब वो मिल नहीं रहा है, गायब। ऐसा हुआ है कि अब उसके आगे का एपिसोड मिल नहीं रहा है, तो इसी कारण मैंने थर्ड नंबर पे ये रखा है। इस स्टोरी में आपको हमारी जो हीरोइन वो एक टीचर है, साथ में अपनी फैमिली की बिजनेस भी हैंडल करती है, एंड साथ में मुझे तो लग रहा है उनकी लाइफ में, मतलब हमारे हीरो से पहले उनकी लाइफ में जो रहता ना, उनसे उनकी मनेगी नहीं भैया, पहले लग रहा है। पर भगवान करे जल्दी ही मतलब उनकी एंगेजमेंट हो या उनकी शादी मत हो, मतलब उस लड़के से हमारे हीरो से हो जाए। पर क्या करें, हमारा हीरो उनसे बहुत प्यार करता है, एंड ये आपको ना थोड़ी बहुत ट्रायंगल लव स्टोरी मिलेगी, पर ज़्यादा नहीं मुझे लग रही है। एंड ये ना ज़्यादा कर मस्त स्टोरी है, एक टीचर जो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, फिर वो एक टीचर है, स्टूडेंट को पढ़ाती है, इस टाइप से रिलेटिव है। एंड साथ में हमारी हीरोइन के जो फैमिली मेम्बर है वो सारे के सारे अमीर है भाई, अब हमारे हीरो के भी हैं। एंड पर अब क्या करेगी वो अपने लाइफ में, क्या उस जिस जो मतलब जिससे वो पहले मिली, क्या वो अच्छा इंसान है या नहीं, ये सभी जानकारी आपको उसमें मिलेगी कि वो क्यों मतलब हमारी हीरोइन क्या किससे शादी करेगी, ये सारी जानकारी आपको इस स्टोरी मिलेगी। एंड टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है इसका लिंक, मैं हर बार कहती हूँ आपकी मर्ज़ी, आपको चाहिए तो टेलीग्राम में आके ढूंढे भाई, मैं ढूंढ के देखी मुझे मिला नहीं, इसी कारण मैंने इसे वर्ड मतलब आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें। एंड अब चलते हैं नंबर 4 पे, ये वाला शायद इसका फुल रिव्यू भी है, पता नहीं ना मिले तो उसके लिए कुछ चिंता की बात नहीं। एंड ये टेलीग्राम चैनल में मतलब आपको आज अभी मैंने चेक किया, मेरे बहुत सारे जो वीडियो कलेक्शन करके मैं रखी हूँ उसमें से वो चाहे तो यूट्यूब वाले डिलीट कर रहे हैं या वो जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उन लोग डिलीट कर रहे हैं, इसकी वजह से मैंने जो चल रहा है उसका ही आपको रिव्यू कलेक्शन दे रही हूँ। एंड टेलीग्राम में चैनल मतलब ये वाला लिंक अवेलेबल है। एंड स्टोरी के बारे में आपको बता दूँ, ये एक पतिनिफी स्टोरी है, एंड इसमें भी हमारी जो गर्ल है वो एकदम स्मार्ट गर्ल है भाई। आपको लोगों को बहुत ज़्यादा ही मतलब हमारी हीरोइन से उम्मीद रहती है कि वो स्मार्ट रहे, तो इसी कारण मैंने ये पूरा कलेक्शन आपके लिए बनाया है। एंड ये फोर्थ नंबर पे ये वाला है। चलो कहानी के बारे में बता दूँ, ये कहानी एक ऐसी लड़की है, देखो अब हम इनकी बिजनेस से रिलेटिव बोल रही हूँ कि मैं हीरोइन के हमारी जो स्मार्ट है उससे रिलेटिव हमने अभी बात किया, तो इसी का हम पहले इनके बारे में बता दूँ कि ये क्या है। ये इस स्टोरी में आपको रोमांटिक मिलेगी, थोड़ी ट्रायंगल लव स्टोरी तो नहीं मिलेगी, हल्की फुल्की मिल सकती है, एंड अच्छी प्योर लव स्टोरी है, चिल्ड्रन कैरेक्टर मिलेगा इस स्टोरी में, एंड कहानी एकदम अच्छी है, मज़ा आ जाएगा सुनने में। एंड हमारे हीरो भी कोई कम नहीं है, वो भी एक बिजनेसमैन है, एंड उनकी फर्स्ट वाइफ उन्हें छोड़ के चली जाती है, तो पहले बता दूँ इस टाइप की सिचुएशन है। एंड हमारी हीरोइन की उन्हें डिवोर्स लेती है क्योंकि उनका जो पहला पति वो ठीक इंसान नहीं रहता, इस टाइप की बात तो कर ली हमने। बात ये कि हमारी जो गर्ल है वो एक बिजनेस चलाती, वो क्या बिजनेस ये मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि मुझे ये बेस्ट कलेक्शन लगा, हमारी गर्ल इतनी खूबसूरत है, सुंदर है और इतनी स्मार्ट है, एक बिजनेस चलाती है, इसी कारण मैं ये कलेक्शन ला रही हूँ। विनीलियर हुमन हुमन ओके। एंड अब चलते हैं, इस टाइप की बहुत अच्छी स्टोरी है, रोमांटिक है। एंड अब चलते हैं नंबर 5 पे, ये वाला ये थोड़ी बहुत पॉकेट एफएम की स्टोरी है, पर क्या करें इसके आगे के एपिसोड हमें मिल नहीं रहे, तो मैं इससे रिलेटिव मैंने एक जो गर्ल कैरेक्टर मैं आपको इस एंडिंग में दिखा दूँगी किस वाले को मैं बोल रही कि ये सेम टू सेम स्टोरी है ओके। एंड स्टोरी देखो, इस हम लोग वीडियो में हम लोग बात करें हमारी जो गर्ल है वो अमेजिंग हो एंड वो स्मार्ट हो, तो उससे रिलेटिव ही मैंने कलेक्शन किया है। ये एक रिबिट भी स्टोरी है, फिर भी क्या करें अब हमें चाहिए और कलेक्शन मुझे मिल नहीं रहे इससे रिलेटिव, इसी कारण मैंने इसका कलेक्शन आपको बता रही हूँ कहानी क्या टाइप की है।
देखो पहले हम लोगों ने बता दिया कि गर्ल क्या है, मतलब मैं बता दूँ आपको शॉर्ट में, थोड़ी बहुत मैंने दे दी है वीडियो, एंड चलो बताती हूँ कहानी किस टाइप की है। बात है ये कहानी हमारी जो गर्ल कैरेक्टर है वो ज़्यादा एज की, मतलब पहले वो जिस पहले मतलब वो पहले ना ज़्यादा मतलब वो अपनी फैमिली के दबाव में, वो इलीगल या गैर कानूनी अपनी फैमिली के दबाव में वो काम करती थी, एंड उनके फैमिली वाले उन्हें धोखा दे के उनकी मर्डर कर देते हैं या मार देते हैं। फिर उनके बाद उन्हें भगवान उन्हें डबल मौका देते हैं, एंड वो पहुँच जाते हैं 18 साल की लड़की के शरीर के अंदर, एंड आगे क्या होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इनका मुकाम। ये कहानी एकदम अमेजिंग है यार, एंड वहाँ से वो स्टार्ट करती है अमीर बनना। हम लोग आम लोग रहते हैं तो उम्मीद है गरीब लोग छोड़ देते हैं, पर इनके जैसे अगर चाहे हुनर वाले हो, स्मार्ट हो, इसे सुनने में आपको पता है क्या अच्छा लगेगा कि आप एक गर्ल हैं एंड क्या क्या कर सकती हैं। तो बिल्कुल उम्मीद हारनी नहीं चाहिए। तो यही स्टोरी अमेजिंग है, एंड मैं चलो आपको अच्छी अच्छी बातें बता दूँ इस स्टोरी की। ये एक बेंगलोर से स्टार्ट, मतलब हमारी जो गर्ल कैरेक्टर है वो फाइटिंग में स्मार्ट है, अंग्रेजी इतना फुल स्पीड बोलती है, शायद उन्हें बहुत सारे लैंग्वेज भी आते हैं, फाइटिंग की तो बात हो ही गई। एंड यहाँ इम्पॉर्टेंट बात, ये कहानी एकदम अमेजिंग क्यों बन जाती है पता है? बेंगलोर से ये कहानी स्टार्ट होती कि हमारी गर्ल को रिबर तो हुआ है, पर साथ में उन्हें एक पावर भी मिली है कि वो, ये उस ज़माने की कहानी है, अमेजिंग अच्छी वाली है, तो कि वो जो बेंगलोर में गोल गोल जो पत्थर मिट्टी रहती है ना, जिसके अंदर से हीरे टाइप या जो भी जैसे हरा वाला जो मोती रहता है, वो पत्थर की ज्वेलरी डिज़ाइन करना, तो उससे रिलेटिव ये स्टोरी है कि हमारी गर्ल को आर पार दिख सकता है कि उस गोले के अंदर कौन से कितने, मतलब उसे वो ले लेंगी एंड उन्हें जब वो काटेंगी तो वो कितने अमीर हो सकती हैं। तो ये इस टाइप की स्टोरी है, एंड बेंगलोर की कहानी अमेजिंग, एंड आपको एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। काश कोई भाई 55 एपिसोड ला दो यार, 155, ओके 155। ये प्लीज़ यार कहीं से जुगाड़ फुगाड़ करो, ढूंढ के कालो, मुझे मुझे मिल नहीं रहा। एंड स्टोरी एकदम अच्छी, ये एंडिंग पॉइंट करी तो रोमांटिक सीन आया था। हम इसमें पता है हमारे हीरो के बारे में बता दूं मैं आपको, हमारा हीरो एक इस मतलब अच्छे खासे मतलब एज ज़्यादा एज वाला इंसान नहीं, एंड हमारी गर्ल को भी भाई स्टूडेंट से थोड़ी ना प्यार हो जाएगा। वो इतनी मतलब वो पहले जिस शरीर में रहती थी वो तो बड़ी लंबी थी, मतलब वो जो भी कुछ भी कहो मतलब एज ज़्यादा लंबी थी, एंड वो स्टूडेंट से थोड़ी ना प्यार करेगी, तो इसलिए वो इस प्यार कर। हमारे हीरो को भी अमेजिंग सीन दिखाया गया कि वो एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर कह सकते हो, स्मार्ट जो भी है, आर्मी से रिलेटिव है स्टोरी, एंड अच्छी खासी स्टोरी यार। एंड हमारे हीरो की फाइटिंग इसमें कोई कमी नहीं है, एंड इस टाइप की स्टोरी एंड अमेजिंग कुछ भी को यार, मनी अर्नी जाननी हो तो इस कहानी को ज़रूर एक बार सुननी चाहिए। इसलिए मैंने इसका हैशटैग शायद मनी अर्निंग वूमेन इस टाइप से कुछ कुछ डाल दिया है, एंड उसमें ठीक से मैंने अभी तक और सर्चिंग में आए इसलिए मैंने अभी डाला नहीं है, तो मैं जल्दी उसका कर दूंगी। एंड एक बार आपको ज़रूर सुननी चाहिए, एंड प्लीज़ कहीं से जुगाड़ करो या कोई प्लीज़ यार, जो पॉकेट एफएम में जो अपने जैसे खरीदते हैं ना हम लोग को 1 साल के लिए अगर फ्री में ऑडियो बुक कोई भी सुनना है तो उसके लिए कॉइन खरीदना वो सब, तो कोई खरीद रहा हो तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर खरीद के हमारे लिए रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डाल दीजिए प्लीज़, इतनी सी कृपा करिए। अब चलते हैं नंबर 7 पे, क्योंकि अभी और भी कितना है, 7, 8, 9, 10, 4 और बचे हैं। गाइस इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, एंड इसका मैं इसमें ही मतलब जो 7 नंबर पे ये है, एंड इसमें भी हमारी जो गर्ल है वो स्मार्ट है, तो इस टाइप की स्टोरी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मतलब 7 नंबर पे ये रखी हूँ कि हमें चाहिए एक स्मार्ट गर्ल, तो उसके कनेक्शन में ये वाली भी गर्ल आती है। इस कहानी में हमारी जो गर्ल है वो एक राजस्थान से रिलेटिव ये कहानी है, एंड स्टोरी में बात है कि इनकी शादी पहले ही तय कर दी रहती इनके फादर ने, एंड वो आगे क्या होगा, क्या इनसे ही मैरिज होगी या क्या होगा। तो यहीं स्टार्ट होती है बिजनेस से रिलेटिव,
तो बिजनेस वाली बात है कि उनकी फादर के डेड के बाद जो उनकी सौतेली माँ है वो बिजनेस को ठीक से चलाती नहीं है, या उनके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। मुझे लग भी रहा है, मैंने सुना पर मैंने इनकी मैरिज तक नहीं सुनी। बात ये कि इनकी कहानी में कि हमारे हीरोइन से प्यार करते हैं पर वो उन्हें मतलब घुट घुट के जीता तो नहीं दे सकती। मतलब वो अपनी मदर को देखे हैं कि वो उन्हें कुछ जैसे डांसिंग या सिंगिंग उन्हें बहुत शौक था, पर उनकी जो सासू माँ है हमारे हीरो की मदर की उसकी सासू माँ, तो वो उन्हें नहीं मतलब शादी के बाद हमारे घर ये सब नहीं चलाया जाता करके हुकुम बोल दी है, तो आगे क्या होगा। तो इसलिए वो हमारे हीरो हमारी हीरोइन से थोड़ा दूर दूर रहते हैं। एंड स्टोरी अच्छी लगेगी, ट्रायंगल लव स्टोरी थोड़ी बहुत दिखाई जा सकती है। एंड बात ये कि हमारी जो गर्ल है वो क्या बिजनेस को हैंडल कर पाएगी, क्या वो उन्हें पता चल पाएगा कि उनकी मदर क्यों कर रही है, कि बिजनेस को ठीक से नहीं चला रही है। ये सारे जवाब इस स्टोरी में मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल है, अगर ना मिले तो कमेंट करिए। अब चलते हैं नंबर एट पे। नंबर एट पे ये वाला है, अभी मैंने जो आपको राजस्थानी वाली स्टोरी जो मैंने बताई वो भी पॉकेट फेम की स्टोरी है, क्योंकि मुझे और भी नहीं मिल रहे हैं नॉवल जो स्मार्ट गर्ल के ऊपर बेसिकली हो, तो इसी कारण मैं आपको ये वाली बता रही हूँ। ये मतलब स्टोरी है, हमारी जो गर्ल है उन्हें प्यार में धोखा मिलता है, एंड वो है निकली एक इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा कि अमीर अमीर जो फैमिली रहती है वो अपने हाउस डिज़ाइन करने के लिए इंटर डिज़ाइनर को हायर करते हैं। तो इससे रिलेटिव ये कहानी, एंड हमारे हीरो के बारे में बता दूं मैं कि वो निकले एक बाहर देश की, अब मुझे उनकी जो कंट्री वो याद नहीं है, एंड वो निकले एक कॉफ़ी शॉप के मालिक, वो वहाँ के बड़े फेमस कॉफ़ी शॉप वाले ओनर है जो कहीं भी अपनी कॉफ़ी शॉप की बड़े बड़े ब्रांच ओपन करते रहते हैं। तो इस टाइप की स्टोरी है। एंड बात ये कि ये कहानी हमारी स्टार्टिंग में दिल टूटा आशिक वाली फीलिंग तो आपको देगी ही देगी, एंड आगे क्या इनकी लाइफ में इन दोनों एक हो पाएंगे कभी, तो ये स्लो लव भी कह सकते हैं स्टोरी में आपको मिलेगा। ये बिजनेस हमारी गर्ल को जब धोखा मिलता है ना तो उनका बिजनेस उनके हाथ से छूट जाता है, वो पूरा पूरा बिजनेस उसके जो मंगेतर का हो या जो भी धोखेबाज इंसान है उसने हड़प लिया है, इस टाइप की बात है। एंड यहाँ होती है पॉइंट हमारे हीरोइन फिर से वो अपना बिजनेस क्या खड़ा कर पाएगी। तो वहीं हमारे हीरो जब इंडिया आते हैं तो वो हायर करते हैं हमारी गर्ल को, एंड हमारे गर्ल और एंड हमारी हीरोइन मतलब हमारे हीरो एंड हमारी हीरोइन दोनों ही एक जगह मिल चुके हैं, और वो निकले एक रूस मतलब पता नहीं एक जहाज़ जो रहता है ना, जहाँ 15-20 दिन के लिए उन्हें जाना पड़ता है बिना इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो इस टाइप की ये इन दोनों वहाँ से मिलते हैं, एंड वहाँ हमारे हीरो हमारी हीरोइन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। तो इस टाइप की स्टोरी है, एंड इनका स्लो स्लो लव कब तक मतलब चलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, एंड थोड़ा ट्रायंगल लव स्टोरी भी दिखाई जा सकती है हमारे हीरो के साथ भी। बात है कि हमारी गर्ल की लाइफ में हमारे हीरो की लाइफ में उनकी मम्मी ने शायद कोई पहली लड़की पसंद करके रखी है, तो आपकी मर्ज़ी, आपको बिजनेस रिलेटिव चाहिए, थोड़ा दिल टूटा आशिक फीलिंग चाहिए तो आप सुन सकते हैं। भाई ये मिलती भी बहुत मुश्किल से, पहली बता दूँ, ना मिले तो कमेंट करना। तो चलते हैं नंबर पे, ये वाला है। इस स्टोरी में आपको किसी टाइप का सेम टू सेम लगेगा, पर ये इस स्टोरी में आपको रोमांस मिलेगा, एंड ये स्टोरी थोड़ी बहुत पॉकेट एफएम की आपकी साउंड मिलेगी, नॉट कोई कॉपीराइट या कभी डिलीट होगी उसकी गारंटी मुझे कम लग रही है। एंड साथ में ये जो स्टोरी है उसका साउंड अच्छा है यार, मस्त, इस कारण मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। एंड आपको तो चाहिए हमारी जो गर्ल है वो स्मार्ट हो, तो उसके कलेक्शन में टॉप नंबर 8। तो इस स्टोरी में आपको हमारी जो गर्ल है, इस स्टोरी में आपको बाहर कंट्री के आपको जगह दिखाए जाएंगे जहां हमारी गर्ल की जो फैमिली मेंबर है उनकी डेथ हो जाती है, एंड साथ में जो उनके सौतेले फैमिली वाले हैं उन्होंने उन हमारी हीरोइन को बाहर देश ले जाके उन्हें मार दिया जाता है, एंड वहां उनकी मुलाकात होती है हमारे हीरो जो एक बिजनेसमैन के साथ एक डॉक्टर भी है, सीक्रेट डॉक्टर। इस टाइप की स्टोरी है, एंड बहुत अच्छी स्टोरी है, रोमांटिक है, एंड और क्या क्या देखने को मिलेगा, एंड किस टाइप से ड्रग्स की कनेक्शन है मतलब हमारी हीरोइन को दिया जाता है, ये सारे जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे।
अच्छी खासी तो मिलेगी ही, मतलब बाहर कंट्री के सीन मतलब स्टोरी में ऑडियो बुक में अवेलेबल है। एंड साथ में ये बहुत ज़्यादा एपिसोड है, क्या होगा आगे एंड हमारी हीरोइन की क्या लाइफ बच पाएगी इस कहानी में ड्रग्स के वजह से, मतलब हमारी हीरोइन की जान, क्योंकि बहुत लोग जो ये बुरे मतलब जो सौतेले फैमिली वाले हैं इन लोग हमारी हीरोइन को ड्रग्स देते हैं और जिससे वो जल्दी ही मरने वाली होती है इस टाइप की सिचुएशन। एंड हमारा हीरो निकला एक डॉक्टर तो वो उनकी जान क्यों ना बचाए, पैसे की तरफ पानी फेंक मतलब पानी की तरफ पैसे फेंके गए भाई, पर हमारी हीरोइन से बचाए गए। एंड चलते हैं अब टॉप नंबर 9 पे। एंड गाइस आपको हैप्पी हैप्पी बातें में शॉर्ट में मैं जो ये टॉप बेस्ट बेस्ट कलेक्शन है उनका मैं फ़ोटो के साथ आपको ऑडियो बुक में बताऊंगी कि मेरे न्यू चार्ट में क्या क्या आपको मतलब इस चैनल के अंदर किस किस स्टोरी का रिव्यू मिलेगा, जैसे रिबर्ट स्टोरी का टॉप बेस्ट रिबर्ट एंड बहुत सारे मुझे इतने सारे अभी कलेक्शन मिले हैं आपके लिए, मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर हुआ उस दिन मैं ऑनलाइन आपको रिकॉर्ड मतलब हम लोग ऑनलाइन इसके बारे में अच्छी खासी चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अब चलते हैं टॉप नंबर 9 मतलब ये टॉप 9 पे ये वाला कलेक्शन है। एंड इस स्टोरी के बारे में मैंने फुल रिव्यू तो मनाया था क्योंकि मैंने उतना समय ज़्यादा इसे सुना नहीं एंड शॉर्ट सुन के उसका आपको उसका डिटेल दिया था इस कहानी के, इसलिए ज़्यादा मिनट का है नहीं, फुल रिव्यू है। एंड चलो मैं कहानी बता दूँ आपको, तो चाहिए हमारी जो गर्ल है वो स्मार्ट हो एंड उससे रिलेटिव ही ये कहानी है। इस कहानी में हमारे हीरो के मतलब एक इस कहानी में तो मैंने बहुत कुछ आपको सरप्राइजिंग जो मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ, तो अगर आपको बहुत कुछ सरप्राइज जाननी है तो इसका फुल रिव्यू देखिए। एंड चलो मैं बता दूँ कहानी किस टाइप की है। इस कहानी में आपको हमारी जो गर्ल कैरेक्टर है वो एक बिजनेस वूमन है एंड वो सीक्रेट आइडेंटिटी वाली बिजनेस गर्ल है। एंड साथ में इनके जो क्या अतीत हैं ये सारे के सारे जवाब तो उसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको खुद सुनना पड़ेगा, मैंने बस आधा सुना था एंड उसका रिव्यू दिया। तो चलते हैं टॉप नंबर 9 पे मतलब टॉप नंबर 8-10 पे चलते हैं। ये एंडिंग होगी अब 10 पे ये वाला आता है, ये यूनिक है, बेस्ट है एंड बहुत कुछ भी कह सकते हैं और ये इसका मैं फुल रिव्यू जल्दी ही ला सकती हूँ। और ये स्टोरी तो आप एक और जो गर्ल है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जो हमें स्टोरी या ऑडियो बुक की उनका रिव्यू देती है, तो उन्हीं का ये चैनल से कहीं भी मिले भाई ऑडियो बुक हमें रिव्यू देने से काम है, तो वही मैं कर रही हूँ। एंड स्टोरी के बारे में चलो बता दूँ यूनिक क्यों है। इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ मिलेगा, राज छुपे हुए हैं कहानी में एंड इसमें हमारी गर्ल है वो भी एक स्मार्ट है एंड बहुत कुछ राज छुपे हैं सही में। और कहानी में होता क्या है, हमारे जो मतलब मुझे ठीक से याद नहीं, मैंने बहुत पहले सुने थे एंड इसके बीच में कभी कभी एपिसोड रुक जाते हैं, ये गारंटी मुझे नहीं पता कि अब डेली डाल रहे हैं या नहीं, मैंने पहले सुना एंड यहाँ बीच में कसमकस भी आ गई थी। कहानी में बात यह कि हमारी जो गर्ल है वो बहुत एटीट्यूड वाली है एंड हमारे हीरो की फैमिली वो बहुत पहले थोड़ा बहुत प्योर मतलब या गरीब कह सकते हैं उस टाइप की थी एंड हमारी हीरोइन उतना समय उनका इज्जत नहीं करी। एंड उनके बाद हमारे हीरो की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आया एंड वो भी मन के अकड़ू एंड उन्हें पहली मतलब इनके बहुत कुछ राज छुपे हुए हैं सच में। एंड इस स्टोरी में हमारी जो गर्ल है वो एक बोल सकते हैं वो एक एक्टर है जो एक बाहर अदर कंट्री की एक्टर है एंड क्या कारण है कि वो अपनी फैमिली से दूर रहती है, ये सारे सारे जवाब आपको फुल रिव्यू में मिलेंगे। एंड फुल रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैं जल्दी ही आपके लिए बहुत सारे कलेक्शन लाने वाली हूँ। जैसे आप लोगों ने बहुत बहुत थैंक यू जो इतने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया एंड साथ में आपको सरप्राइजिंग बात बता दूँ कि मैं रिबर्ट की स्टोरी रहे या बिनेलियर की रिलेटिव ये सारी स्टोरी लाऊंगी एंड इसकी हेडिंग रहेगी मैं पहले बता दूँ क्वीन मतलब हुमन बिनियर हुमन या क्वीन के एक पोस्टर मैं डालने वाली हूँ इसके और अमेजिंग स्टोरी है कि आपको बहुत सारे और ये सारे के सारे ऑडियो बुक में अवेलेबल है उन्हीं का रिव्यू मैं करती हूँ एंड टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल रहता है। एंड अब चलते हैं यहीं तक एंड करते हैं ये स्टोरी क्योंकि अभी मेरे पास और भी रिव्यू आपके लिए रेडी करना है।